हाथरस खेत में शौच करने गए युवक का पैर फिसलने से युवक गहरे कुएं में जा गिरा। युवक के कुएं में गिरने की जानकारी होने पर स्थानीय लोगों की मदद से घायल हालत में युवक को बाहर निकाला गया। परिजनों ने युवक के कुएं में गिरने की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायल युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर पहुंची। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में घायल युवक को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कुएं में गिरकर घायल हुए युवक को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव ढकपुर की घटना। कहां के रहने वाले हैं? गांव ढकपुर। जो घायल हुए हैं उनका नाम? मेरा नाम सुकुमार है। ये भी ढकपुर के रहने वाले? जी, भी ढकपुर। कैसे घायल हो गए? घायल का ऐसा था, रात को इनकी भतीजी की शादी थी, तो ये जो है ना बारात चढ़ गई है, सब काम हो गए, ब्याह भी हो गए, लड़की बड़की विदा है कोई, तो देखो कोई न कोई बात हो जाती है। तो ये है का है, मैं लेटरिन करने गया है और लेटरिन करने पे ही इसको दारू तक पी रखी है इसने, अभी पी रखी है, तो ये इसका पैर नहीं सड़ा है, इसे कुएं में गिर गया। कुएं की गहराई कितनी होगी? कुएं की करीब 60-65 के करीब। कैसे निकाला गया फिर इनको? हमने एक तो रस्सा लिया नलवारों से और एक धोती में धोती बांध के गांठे में गांठ। गांव वालों ने ही निकाला है? हां, गन्ने गांव वालों ने निकाला है, हमने भी निकाला है, बहुत आदमी थे। कितने बजे की है? शिव कुमार। कैसे गिरे कुएं में? लेटरिन करने के लिए। लेटरिन तो कुएं में कैसे गिरे? पास रखा में दासी गौतमा। कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं कहेंगे। डपुरा के रहने वाले। नरेश सागर की रिपोर्ट।